हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल यासर अली क्लासेस। और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 से कंसर्न। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के। ये हमारी चैप्टर 3 से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 था, वहाँ पर हमने चैप्टर के टाइटल का को क्लियर करा था और जो मीनिंग है, मतलब जो टाइटल ही था, चैप्टर का नाम ही था बिजनेस एनवायरनमेंट, उसकी मीनिंग से कंसर्न और उसके फीचर्स से कंसर्न हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन करा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग जो बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं। एक्चुअल में बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा कि एक्चुअल में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था, ये मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से जो डायरेक्टली सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस वाली ये वीडियो देख रहे हैं, वो पहले हमारी लेक्चर फर्स्ट को भी देख लें, वीडियो नंबर फर्स्ट को भी देख लें, तो चैप्टर 3 से ही रिलेटेड है, आपकी काफ़ी हेल्प होगी इट श्योर। सो जनरली जैसे हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर बात करी थी कि एक्चुअल में बिजनेस एनवायरनमेंट में हमारे एक्सटर्नल कंडीशंस आते हैं और हमारे एक्सटर्नल फोर्सेज आते हैं, जिसके चेंज होने की वजह से हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस पर उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल में चेंजेस तो एक नेचुरल एस्पेक्ट है, नेचुरल फिनोमिना है, चेंज तो कुदरत का ही नियम है। वो चेंजेस हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर भी होते रहते हैं, चाहे वो हमारे स्पेसिफिक फोर्सेज हों, चाहे वो हमारे जनरल फोर्सेज हों, मतलब चाहे वो माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हों या वो हमारे मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हों। अब उन चेंजेस की पहले से नॉलेज होना या उन फैक्टर्स के रिगार्डिंग जो भी चेंजेस इन फ्यूचर अकर हो सकते हैं, उसकी एक प्री नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें करनी पड़ती है अपने एनवायरमेंटल की स्टडी, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट स्कैनिंग। हमें क्या करना है, अपने एनवायरमेंट को थोरोली अंडरस्टैंड करना है, नॉलेज ऑब्टेन करनी है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं और हमें क्या स्टेप लेने चाहिए, किससे हम फ़ायदा ले सकते हैं, क्या चीज़ें पहले इम्प्लीमेंट करके, कैसे चीज़ें अगर बदल रही हैं, अगर वो हम कंटिन्यू करेंगे तो उससे जो नुकसान हो सकते हैं उसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमें पता चलती हैं बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग से, या जो शॉर्टली यूज़ करा गया है, सिर्फ बिजनेस एनवायरमेंट यूज़ करा गया है। तो वही बात कर रहे हैं हम आज के टॉपिक में कि क्या इम्पोर्टेंस होगा, क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदे हैं कि हम सारे आस्पेक्ट को, इंटर रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के, उनको स्टडी करें, वो जनरल फोर्सेस के अंदर भी और स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर भी। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं जहाँ हम सिग्निफिकेंस की बात करें, क्या फ़ायदा होगा बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग करने का। तो सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डील करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हमारी हेल्प करेगी अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब जो बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, और वो बेनिफिट कहाँ हैं, हमारे ही जो एक्चुअल में हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमारे पास ही हैं, हमारे सराउंडिंग में, ओनली वी हैव टू सर्च दैट। वो हमें सिर्फ क्या करनी है, ढूंढनी है। हमें एक्चुअल में आजकल ये टाइम पीरियड नहीं रहा है कि आप अपॉर्चुनिटी का वेट करो, आजकल आपको अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी पड़ती है। तो खुद क्रिएट कैसे कर सकते हैं, अब देखिए आप अपने जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मतलब जो आपका सिनेरियो है, बिजनेस सिनेरियो है, उसकी स्टडी करें, आप माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की स्टडी करें, तभी आपको पता चलेगा कि क्या अपॉर्चुनिटी चल रही है। अब अपॉर्चुनिटी या तो क्रिएट करके या फिर थोड़ा सा मार्केट के अंदर वो प्रायोरिटी हैं उनको थोड़ा आपको और बढ़ाना है, थोड़ा और इंकरेज करना है या थोड़ा इन्फ्लुएंस करना है, वो चीज़ें उनके सामने रिप्रेजेंट करनी है, ताकि उनका जो एक लाइक है, एक अट्रैक्शन है, उन सारी चीज़ों के ऊपर चला जाए। तो आपको क्या हेल्प कर रही है बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग, कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब बेनिफिट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बेनिफिट पहले अवेल करके आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं। लेकिन बिजनेस में जनरली ना सिर्फ पैसे कमाना ज़रूरी है, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे रहना भी ज़रूरी है। आपको नहीं पता कि अभी आप बहुत लीडिंग पोजिशन में काम कर रहे हो, और अगर आप इसी जनरली कहते हैं अहम में रहे कि हम तो टॉप पोजिशन पर हैं, हमें कोई बीट नहीं कर सकता, आप अपॉर्चुनिटी जनरली टाइम टाइम मिस करे जा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कोई बात नहीं, हमारा जो स्मॉल कॉम्पिटिटर है उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई बात नहीं है, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा लॉन्ग रन के अंदर कि आपकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड चली जाएगी। सेक्शन में क्या है, आप अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा, अगर आप रेस में आगे भी हैं तो भी आप वो जो फॉरवर्डनेस है उसको बरकरार रखें। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप टाइमली अपने बेनिफिट्स को देखें जो आपके एनवायरमेंट के अंदर ही मौजूद है, उसको पहले आप जनरली
यूज़ करें, उसको एक्सप्लोर करें, उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। जैसे एग्जांपल, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे जल्दी जो भी डिओड्रेंट्स वगैरह आते थे तो उसमें ये था कि गैस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे इतना ज़्यादा उसमें स्प्रे नहीं होता, इतना परफ्यूम नहीं होता जितना गैस होता है। जब फॉग मार्केट के अंदर आया तो उसने जनरली कंपेयर करा कि आपको क्या चाहिए, गैस वाला या बिना गैस वाला परफ्यूम, गैस वाला डिओड्रेंट आप प्रेफर करेंगे या बिना गैस वाला। आपके पैसे जो है आधे तो हवा में जा रहे हैं, उसमें गैस है, तो आप क्या करें, नॉन गैस वाला प्रेफर करें। तो एक्चुअल में हमारे माइंड में क्या बात डाली गई कि हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पॉन्ड में हमें उतना ही एक्चुअल में क्वांटिटी मिले, वही सेम वैल्यूएबल कॉमोडिटी हमें मिले। तो ये फॉग ने बात डाली और फिर एक उन्होंने टैगलाइन शुरू कर दी, फॉग चल रहा है। सो एक्चुअल में क्या है, एक कॉमन सा मैंने एग्जांपल आपको दिया है क्योंकि उसने देखा कि क्या चीज़ें हैं एक्चुअल में, क्या ऐसे वीकनेसेस हो सकती है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की है और जिनको हम अपना एक प्लस पॉइंट बना सकते हैं। उन्होंने देखा कि हर एक परफ्यूम के अंदर, एक डिओड्रेंट के अंदर क्या है, स्प्रे गैस होती है। अब वो क्या कर रहे हैं, अगर हम वो गैस कम करें और एक्चुअल स्प्रे क्वांटिटी ज़्यादा प्रोवाइड करें तो क्या होगा, जो कस्टमर है वो, क्योंकि आजकल का कस्टमर बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत रैशनल है, जो पैसे खर्च करने से पहले सोचता है कि मुझे उन पैसों के बदले में वो सेटिस्फैक्ट्री कमोडिटी गुड्स या सर्विसेज मिल रहे हैं या नहीं मिले। तो आपको कस्टमर से ही डील करना है, हालांकि और भी सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन मेन जो टारगेटिंग पार्टी है आपकी, टारगेटिंग फैक्टर है, वो कस्टमर है। तो कस्टमर के माइंडसेट को समझना है आपको। तो इस तरीके से जो बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रही है, जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर से एक स्टेप आगे रह सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है बिजनेस के अंदर एक सक्सेसफुल इमेज बनाने के रिगार्डिंग। इसके अलावा ना सिर्फ अपॉर्चुनिटी को या पॉजिटिव एलिमेंट्स को सर्च करने में या एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगी, इसके अलावा सेकेंडली क्या बात कर जा रही है कि थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है। थ्रेट मतलब वो चीज़ें जो आपके बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं, या थ्रेट का मतलब क्या है, वो एलिमेंट्स विच कैन हैव एन नेगेटिव इम्पैक्ट, जिसका क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग के ऊपर। तो आपको अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, उसको आप कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो, तो आपको बेनिफिट तो मिल ही रहे हैं, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में बात करी। इसके अलावा यू आर ऑल्सो एबल टू इवेल्यूएट, आप इवेल्यूएट कर रहे हो, चेक कर पा रहे हैं पहले ही कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो आप कंटिन्यूटी में करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको नुकसान के बारे में भी पता चल जाता है, ना सिर्फ थ्रेट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, बल्कि आप थ्रेट से भी बच सकते हो, आप प्रोबेबल लॉसेस से बच सकते हैं। हालांकि रिस्क बहुत ज़्यादा है बिजनेस में, तो आप स्कैनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिस्क का जो लेवल है, वो स्कोप है, वो थोड़ा क्या हो रहा है, कम, रिड्यूस आप ज़रूर कर सकते हो। तो इस तरीके से काफ़ी हेल्पफुल होती है स्कैनिंग करना बिजनेस फैक्टर्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक्चुअल में आपको यूजफुल रिसोर्स करने में बहुत हेल्पफुल होती है असेंबलिंग करने में, टैपिंग करने में। आपको पता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, क्या सोशल प्रायोरिटीज़ हैं, क्या कस्टमर की प्रायोरिटीज़ हैं, क्या टेक्निकल डिमांड्स हैं, क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं जो सोसाइटी जनरली प्रेफर कर रही है। अब वो सारे एस्पेक्ट को जनरली एक कंबाइंड फॉर्म में समझ रहे हैं और फिर वही चीज़ें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है या डिमांड है। तो आपको मतलब वही चीज़ें बनानी है ना जिसकी डिमांड है मार्केट के अंदर, क्योंकि वैसे ही रिसोर्सेज इतनी लिमिटेड है इन रिलेशन टू द डिमांड, तो आपको बहुत केयरफुली यूटिलाइज करना है। सो आपने देखा कि जिस चीज़ की मार्केट के अंदर डिमांड है, जिसकी पहले से ही जनरली क्या है, इमर्जिंग है या अवेलेबल डिमांड है, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए, उन कम्युनिटी को बनाने के लिए, सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, आप फिर उन्हीं को अरेंज करोगे। मतलब आपको एक आइडिया मिल गया, आपको फालतू चीज़ें अरेंज करने में टाइम और पैसा और एफर्ट वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ वही चीज़ें टैप करनी है, असेंबल करनी है, अरेंज करनी है जिसकी रिक्वायरमेंट है आपको मार्केट में एक सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए, या कस्टमर्स को या मार्केट को सेटिस्फाई करने के लिए। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, तो क्योंकि एक रूल जो चलता है आज के टाइम में वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, और इसके अकॉर्डिंग जो किंग पिन है मार्केट का वो कस्टमर है। एज यू नो द रूल, कैवियट वेंडर लेट द प्रोड्यूसर बीवेयर, क्योंकि आजकल कंज्यूमर किंग पिन है मार्केट का, तो प्रोड्यूसर को जनरली अटेंटिव होने की ज़रूरत है रिगार्डिंग द प्रायोरिटीज, रिगार्डिंग द नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द कस्टमर। उसको समझ कर ही फिर आपको क्या करना है, द सेम थिंग, द सेम कम्युनिटी यू हैव टू डिलीवर टू योर कस्टमर, सो दैट उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमाइज हो। और एक्चुअल में जब आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो एश्योर होनी ही होनी है।
एक्चुअली आपको थोड़ा बिजनेस माइंड लगाना है कि आप अगर कस्टमर को सेटिस्फाइड करोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होगा। अगर प्रॉफिट पे पहले फोकस करोगे, बाद में कस्टमर सेटिस्फेक्शन रखोगे या कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इग्नोर करोगे, तो आप लॉन्ग रन में काम नहीं कर सकते। सो आप वही रिसोर्सेज अरेंज करोगे जिसके मदद से जो आप आउटपुट बना रहे हो वो एक्चुअली मार्केट को सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो ये और मार्केट को क्या चीज़ सेटिस्फाई कर रही है, ये आपने स्टडी में सारी चीज़ें क्या करी हैं, देखी हैं, मॉनिटर करी हैं, उसके हिसाब से उसके बाद आपको वो चीज़ें पता चली हैं। इसके अलावा रैपिड चेंजेस, हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी वीडियो नंबर फर्स्ट में, डिस्कस करा था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं वो बहुत डायनामिक है नेचर में, मतलब बहुत फ्लेक्सिबल हैं। और जितने भी फैक्टर्स की अगर हम बात करें, चाहे वो लीगल आस्पेक्ट हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो एंड सो ऑन, सो एक्चुअली जितने भी फैक्टर्स होते हैं उसका जो नेचर है वो बहुत फ्लेक्सिबल है और बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत रैपिड चेंजेस होते रहते हैं। टेक्नोलॉजी हो चाहे कंसिडर करें आप, चाहे इकोनॉमिक आस्पेक्ट हो, चाहे वो ट्रेंड हो, फैशन हो, लाइक डिसलाइक, प्रेफरेंसेस एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें काफ़ी रैपिडली चेंज होती हैं। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एट द सेम टाइम आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि बाहर हो क्या रहा है, एक्सटर्नल कंडीशन में क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं या क्या पॉसिबल चेंजेस हैं जो अकर हो सकते हैं। आपको रैपिड चेंजेस कि नॉलेज हो जो प्रिवेल है या फिर जो प्रॉबेबल है, जो हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, और उसी को आपको फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर आप रैपिड जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको पहले ही कैसे इवेल्युएट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको एक प्री नॉलेज है, उसके हिसाब से आप पहले एक्ट कर सकते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी की हमने बात करी थी कि आप अपॉर्चुनिटी जो है पॉजिटिव आस्पेक्ट जो है उसको पहले ग्रैस्प करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। सो एक्चुअली क्या, जो भी रैपिड चेंजेस है बिकॉज डायनामिक नेचर है बिजनेस एलिमेंट का, बिजनेस एनवायरमेंटल एलिमेंट्स और फैक्टर्स का, तो जो भी चेंजेस हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में हो रहे हैं अगर हम उसकी कंटिन्यूस स्टडी करें तो टाइमली हमें पता चलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकते हैं अपने इंटरनल एनवायरमेंट वर्किंग के अंदर, जो बहुत ज़रूरी है बिजनेस को सस्टेन करने के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक्चुअल में क्या है, आपने पहले मार्केट से ही इन्फॉर्मेशन ली है कि आपको क्या करना है, प्लान आपने जो प्लान का टारगेट है या किस तरीके से आपको काम करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, आजकल जनरली वो इतना खुद ना सोचकर हम मार्केट से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। और एक्चुअल में जब आपने मार्केट से इन्फॉर्मेशन ली कि क्या आपको चीज़ें बनानी हैं, व्हाट टाइप ऑफ गुड यू हैव टू सर्व टू योर कस्टमर, व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज आपको डिलीवर करनी है, आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या करी, मार्केट से ही ली कि आजकल का कस्टमर किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, आजकल का कस्टमर डायरेक्ट मार्केटिंग को प्रेफरेंस दे रहा है, आप इसके कर रहे हैं, आजकल का कस्टमर जो है सर्विसेज की फॉर्म में वर्चुअल को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, जनरली फेस टू फेस भी है लेकिन वर्चुअल भी है, तो आप वो चीज़ रियलाइज करें और यही चीज़ आप सप्लाई करें अपने कस्टमर को। तो इससे क्या है, आपने प्लान का जो आइडिया है वो जनरल मार्केट से ही लिया है और फिर आपको क्या कर रहा है, प्लान आपने बना लिया, फिर उसी के हिसाब से आप क्या करोगे, पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज फॉर्मुलेट करोगे। तो बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग आपकी किसमें हेल्प कर रही है, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में, प्लान्स को फॉर्मुलेट करने में। बेसिक आइडिया आपको मिल गया कि हाँ क्या करना है, फिर कैसे करना है, कब करना है, वो चीज़ें आप फर्दर डिसाइड करोगे। तो पहले आपको एक आइडिया मिलना जरूरी है, क्लू आपको मिल गया, एक हिंट आपको मिल गई, एक जनरली सोर्स ऑफ ओरिजिन आपको मिल गया है, फिर उसकी और फर्दर प्लानिंग कैसे करनी है या उसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या पॉलिसीज आपको बनानी है, ये जनरली इनडायरेक्टली आपकी स्कैनिंग इस चीज़ में भी आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टडी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हम अपने एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहें। कैसे इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जैसे आप न्यू कमर हो मार्केट के अंदर, सो आपको टाइम लगेगा, आप एक साथ सारे फैक्टर्स को स्टडी नहीं कर सकते कंबाइंड बेसिस पर और एक बहुत वेल एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे हमने फ्यूचर में बात करी थी कि कॉम्प्लेक्स हैं, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को, स्पेसिफिक फोर्सेस को, जनरल फोर्सेस को कंबाइन वे में पढ़ना है। सो एक्चुअल में क्या है, धीरे धीरे आप जैसे काम करते हो तो आपको एक्सपीरियंस आता रहता है कि हाँ ये चीज़ें इस तरीके से इफेक्ट करेंगी। आप पहले हो सकता है कि इंडिविजुअल आस्पेक्ट को समझ रहे हो, आपने ये नहीं सोचा कि हर एक आस्पेक्ट का डुअल इफेक्ट पड़ेगा, अगर कोई भी इकोनॉमिक एनवायरमेंट पर चेंज हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट सोशल पर भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट जनरली के अदर फैक्टर्स पर भी पड़ेगा। सेम पॉलिटिकल फैक्टर्स का है, अगर कोई पॉलिटिकल पॉलिसी चेंज होती है तो उसका असर इकॉनमी पर भी पड़ता है और सोसाइटी पर भी पड़ता है। आप इंडिविजुअल आस्पेक्ट में जज कर रहे हो, आप इंटर रिलेशन डेवलप नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या है, आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर यही चीज़ आप कंटिन्यूसली करोगे, किसी भी चीज़ पर मेहनत अगर आप लगातार करोगे, तो आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव ही होगी।
जैसे मैं एग्जांपल बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल दे रही हूँ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. जनरली क्या है, जैसे हमने पहले वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करे थे तो काफ़ी होता है कैमरा कॉन्शियसनेस है, फियर है, तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया. लेकिन जब हम इसी चीज़ को कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो हम सेल्फ नहीं देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई. तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ, ये बिजनेस में भी बड़ा यूजफुल है. एक्चुअल में हम एक कमर्शियल एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व हैं. तो एक्चुअल में क्या है कि अगर आप चीज़ों को सारे फैक्टर्स को स्टडी जो है एनवायरमेंट की कंटिन्यूस बेसिस पे करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती रहेगी. और हर बंदा चाहता है, हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती रहे, परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मोर एंड मोर प्रॉफिट. इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग दैट इट हेल्प्स इन इमेज बिल्डिंग. आपकी गुडविल को बिल्डअप करने में भी स्कैनिंग की नॉलेज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या स्कैनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. कैसे? क्योंकि आप जब एक्सटर्नल कंडीशंस को बहुत टाइमली स्कैन कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंजेस अकर हो रहे हैं आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर. आप फिर क्या करते हो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो. वही सारी चेंजेस को इम्प्लीमेंट करके वो थोड़ा न्यू फॉर्म में सर्विसेज एंड गुड्स अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हो. तो इससे आपकी एक सेंसिटिवनेस नेचर जो है, सेंसिटिव नेचर, वो जनरली पता चलता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन, ये पर्टिकुलर बिजनेस क्या है, ये ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है हमारी ज़रूरतों को लेकर, जो भी हमारी प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. वो फॉरन इमीडिएटली क्या करेंगे, वो चीज़ें हमें प्रोवाइड करेंगे. तो इससे आपकी जो गुडविल है, आपका जो इमेज है, नेम एंड फेम ऑर्गेनाइजेशन का, वो डेवलप होगा. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करें, सो सनसिल्क शैम्पू की अगर हम बात करें, तो पहले सनसिल्क जनरली एक दो ही वेराइटी आते थे. लेकिन अब जनरली लोगों की जो हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट सामने हैं. कोई हेयर फॉल से परेशान, कोई डेंड्रफ से परेशान, कोई स्प्लिट एंड से परेशान, कोई ड्राइनेस से परेशान है. तो अलग अलग प्रॉब्लम है. कोई पॉल्यूशन से परेशान है कि मतलब एक दिन में ही जो बाल है वो इतने डर्टी हो जाते हैं. सो एक्चुअली क्या, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. तो उसने क्या करा, हर एक प्रॉब्लम, हर एक नीड को कैटर करने के लिए डिफरेंट वेराइटी एक ही ब्रांड की उसने ऑफर कर दी. ठीक है, ये ड्राइनेस के लिए, स्प्लिट एंड्स के लिए, हेयर फॉल के लिए. इसका मतलब क्या है कि वो सेंसिटिवनेस शो कर रहा है. तो आप जितना सेंसिटिवनेस शो करोगे अपने कस्टमर्स की चेंजिंग नीड्स या एनवायरमेंटल के चेंजिंग बिहेवियर के टूवर्ड्स, उतनी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव भी होगी और आपकी इमेज जो है वो भी बिल्डअप होगी, गुडविल भी बिल्डअप होगी. सो अगर हम एनवायरमेंटल स्टडी कर रहे हैं तो ये मेन बेनिफिट्स हैं जो हमको मिल सकते हैं. इसीलिए बोला गया ये बेनिफिट बहुत ज़रूरी हैं बिजनेस को सस्टेन करने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, और बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी है. तो क्या मतलब हुआ कि एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है हो गई हमारे बिजनेस एनवायरमेंट स्कैनिंग. क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. सो यहाँ पर हमने मेजर इंपॉर्टेंस को डिस्कस करा है जो बिजनेस एनवायरमेंट से रिलेटेड है, कि क्या ज़रूरत है बिजनेस एनवायरमेंट की स्टडी ऑब्टेन करने की. तो ये अगर हम करेंगे बिजनेस एनवायरमेंट स्टडी तो ये सारे बेनिफिट्स हमको मिलेंगे, इसीलिए बताया गया इतनी सिग्निफिकेंट है. आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए हो. अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, या इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर या सर अलावा और भी कोई चैप्टर के अंदर, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी हम तक पहुंचा सकते हैं. हम आपको रिस्पॉन्ड करने की टाइमली एज सून एज पॉसिबल कोशिश करेंगे. और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो.